अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र कर्म और फजल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो हमारी गंदम की बिजाई के लिए हमें बीज कैसा और किस तरह का इंतखाब करना चाहिए। अगर हम अपने घर का बीज इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरीके का होना चाहिए, और अगर हम बाहर से बीज परचेज़ करते हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए। काशकर भाई, मैं उस्मान शब और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकर भाई, सबसे पहले बीज की बात की जाए, चाहे जो मर्ज़ी वैरायटी हो या पंजाब सीड कॉर्पोरेशन और बाकी जितनी भी कंपनियाँ सीड प्रोवाइड करती हैं, वो ज़रूरत के मुताबिक कम से कम 20 से 30% जो बीज है वही दे पाती हैं, और बाकी जितना 70 से 80% जितना भी बीज होता है वो घर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग अगर अपने घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी वैरायटी अगर आपने लगाई थी पिछले साल, उसी से आपने बीज के तौर पे अपने बीज को थोड़ा सा रख लिया गंदम को, और वही अगले साल आप बीज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए चंद ज़रूरियात हैं जो आपको पूरी करना बहुत अहम है। उनकी वजह यह है कि बीज अगर नाकस क्वालिटी का हो या उनके अंदर जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हों तो हमें पैदावार में भी कमी देखने को मिल सकती है और हमारी फसल भी तबाह हो सकती है, और उसकी वजह से हमारे जितने भी खर्चात होंगे वो सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। अगर आप लोग अपने घर का बीज इस्तेमाल करते हैं तो आपको चाहिए कि आप जड़ी बूटी से पाक बीज जो है वो इस्तेमाल करें, कि आपको बीज के अंदर आपको यकीन हो कि हमारे बीज के अंदर किसी किस्म की भी जड़ी बूटी का एक भी बीज नहीं है। अगर आपका अगर आपके घर के बीज के अंदर जड़ी बूटियों के बीज हों तो उन्हें किसी तरीके से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आप फिर वो बीज 50 किलो फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। अगर आप किसी पंजाब सीड फेडरेशन से लेते हैं, पंजाब सीड से लेते हैं, या किसी और जगह से आपने सीड को परचेज़ करते हैं, वो सीड इंतहाई साफ़ आला क्वालिटी के और मियारी बीज होते हैं। क्योंकि बाज़ जब हम अपने घर के अंदर गंदम को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे हमें सुसरी वगैरह के मसाइल भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे सुसरी के जो मसले हैं वो हमें सबसे ज़्यादा होते हैं, और हमारा जो बीज है जो वो ख़राब हो जाता है और नाकस क्वालिटी का होता है, और हमें बाज़ पैदावार भी नहीं मिलती और जर्मिनेशन जो है वो भी कम हो जाती है। अगर आप लोग जो हैं अपने बीज को जब लगाएं उससे पहले आप अपने बीज की जर्मिनेशन का टेस्ट लाजमी करें कि आपके बीज की वो जर्मिनेशन है वो कितने परसेंट है। कम से कम अगर आप लोग अपने घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो 85% से कम आपके बीज की जर्मिनेशन ना हो। उसके लिए आपको करना ये होगा कि एक टाट ले लें या आलू वाली जो बोरी होती है वो ले लें, उसको आप हल्का सा नम कर दें, पानी लगा दें, उसके अंदर 100 दाना गिन के आप रख दें, तो चंद दिन बाद जब आप देखेंगे जितने दाने उगे हुए होंगे उन हिसाब से उसकी जो रेशो होगी वो बन जाएगी कि आपकी जो रेशो है वो 50 से कितने परसेंट बनी है। अगर आपके 25 बीज उगे हैं तो वो 50/25 की रेशो होगी, यानी कि वो बीज इंतहाई नाकस क्वालिटी का होगा और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं हो। अगर आपका बीज जो है उसकी जो जर्मिनेशन होगी वो 85% से ज़्यादा है तो आप बीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ही काशकर भाई एक अच्छी खासी आप पैदावार जो है आप हासिल कर सकते हैं, नहीं तो आपको पैदावार के अंदर भी नुकसान देखने को मिल सकता है, कमी देखने को मिल सकती है। काशकर भाई, जब भी बीज इस्तेमाल करो उसके खालसपन का होना, उसके जड़ी बूटियों से पाक होना और बीमारियों से पाकशुदा जो बीज है वो इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको नुकसान जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। काशकर भाई, इसके बाद जब आप बीज का इंतखाब करें और बीज को साफ़ कर लें, या अगर आपके पास बीज पड़ा है तो आप उसे किसी तरीके से साफ़ करवा लें, उसमें से अगर आपका मोटा बीज होगा तो वो एक मन पीछे 5 kg जो है वो कम हो जाएगा, अगर बारीक बीज होगा उसमें से जो मोटे दाने अगर आपने अलग करने होंगे तो 5 से 6 kg या 7 kg जो है वो उससे अलग हो जाएंगे जब उसकी आप किसी जगह से सफाई करवाएंगे। अगर आप बारीक बीज की सफाई कराते हैं उसके अंदर जो ज़्यादा बारीक दाने होंगे तो उसमें से 10% तक, यानी कि 10 किलो बीज जो है एक मन में से आपको कमी देखने को मिल सकती है, कि इतना बीज जो बारीक जो ज़्यादा बारीक होगा वो साइड हो जाएगा। आप खुद भी बीज की सफाई करवा सकते हैं, नहीं तो आप साफ शुदा जो बीज है वो आप ले सकते हैं जो जड़ी बूटियों से भी पाक होता है। काशकर, जो ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं वो बीज की ही वजह से होती हैं, तो इस वजह से बीज को खालसपन होना, बीज का साफ़ सुथरा होना और बीज की सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज को दवाई लगा के इस्तेमाल करना सबसे ज़रूरी है। यही वो मरला होता है जब काशकार गलती करते हैं और बाद में उन्हें फिर पैदावार में कमी देखने को मिल जाती है। जब आप बीज का इंतखाब कर रहे हैं, बीज की सफाई कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और बिजाई से पहले आप उसको सीड ट्रीटमेंट लाजमी करें। आप हमरे दवाई जो है वो लगा के भी आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उससे जितनी भी फंगस की बीमारियाँ होंगी वो आपकी गंदम की फसल के ऊपर नहीं हमलावर होंगी, और उससे हमें एक अच्छी खासी जो पैदावार है वो मिल सकती है। आप हमरे भी लगा सकते हैं, उसके अलावा जितनी भी और सीड ट्रीटमेंट की अच्छी दवाइयाँ हैं वो आप इस्तेमाल करके एक अच्छी खासी पैदावार और मुनाफा हासिल कर सकते हैं। काशकर भाई, ये वीडियो यहाँ तक की थी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।